खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वजीर आला के मुशीर बराए तवानाई हिमायतुल्ला को सूबाई वजीर का दर्जा दे दिया। चार मुशीरों और मावनीन की वजरा के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। बात करते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक वहीद से। तारिक, एलामी में और क्या क्या कहा गया है? रबिया, ये जो चार मुशीर और मावनीन थे जिनमें जियाला बंगश, कामरान बंगश और अब्दुल करीम साथी मतला शामिल थे, ये पहले मावनीन और मुशीर के तौर पर काम करते थे मुख्तलिफ महकमों में। अभी सूबाई हुकूमत की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया है तो उसके मुताबिक इन मावनीन और मुशीरों को वजीर का दर्जा दिया गया है और इसका बाकायदा एलामिया भी जारी किया गया है। लेकिन इसमें जो मुहिम बात सामने आई है वो एक गैर मुंतखब जो मुशीर थे, मुशीर तवानाई हिमायतुल्ला मायाब, उसको भी सूबाई वजीर का दर्जा दिया गया है। तो इस हवाले से अभी सवालात उठाए जा रहे हैं। इस बारे में हमारी बात हुई है वजीर इत्तला'आत खैबर पख्तूनख्वा यूसुफ़ज़ई से, तो उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि इन वज़रा और मुशीरों को सिर्फ दर्जा दिया गया है, ओहदा उनका वजीर का नहीं होगा। साथ ही उनका ये मौक़िफ़ है कि ये वजीर सिर्फ मराहत हासिल करेंगे लेकिन उनकी गाड़ी पर वजीर का झंडा नहीं लगेगा। शुक्रिया तारिक वहीद।